हेलो स्टूडेंट। तो अपना केमिस्ट्री के अंदर जो चल रहा था विद्युत रसायन के अंदर जो टॉपिक कोलराउस का नियम, वो अपने कर लिया था। फिर अपने क्या था, कोलराउस नियम के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। उस एप्लीकेशन एंड कोलराउस अनुप्रयोग में भी एक अपना एप्लीकेशन अनुप्रयोग कर लिया था और उसका नाम था दुर्बल विद्युत अवघट्य की अनंत तन्वता को मोलर चालकता ज्ञात करना। ठीक। और आज का अपना जो दूसरा एप्लीकेशन इन कोलराउस नियम का जो दूसरा अनुप्रयोग रहेगा वो रहेगा दुर्बल विद्युत अवघट्य की वियोजन की मात्रा व वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना। क्या है अपना दुर्बल विद्युत अवघट्य, तो दूसरा एप्लीकेशन अपना दूसरा अनुप्रयोग है नंबर दो, दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा को प्रदर्शित करते अल्फा से, वियोजन की मात्रा एम वियोजन स्थिरांक, वियोजन स्थिरांक प्रदर्शित करते हैं कैसे, वियोजन स्थिरांक के ज्ञात करना। यह है अपना दूसरा एप्लीकेशन दुर्बल विद्युत अवघट्य की वियोजन की मात्रा एक अल्फा एम वियोजन स्थिरांक के ज्ञात करना। सबसे पहले ज्ञात करेगा अपन दुर्बल विद्युत अवघट्य के वियोजन की मात्रा यानी अल्फा। ठीक है। तो किसी भी दुर्बल विद्युत अवघट्य वियोजन की मात्रा होती है अल्फा बराबर वो होती है लैम्डा इन्फिनेटिव सी अपॉन लैम्डा इन्फिनेटिव एन। इस फॉर्मूले की सहायता से हम किसी भी दुर्बल विद्युत अवघट्य के वियोजन की मात्रा अल्फा ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर क्या है, यहां लैम्डा इन्फिनेटिव सी, सी फॉर कंसंट्रेशन यानी सांद्रता, किसी सांद्रता, किसी सांद्रता पर मोलर चालकता। ठीक है। और लैम्डा इन्फिनेटिव एम है अनंत तन्वता पर मोलर चालकता। ठीक है। इन दोनों से किसी भी सांद्रता पर क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या करता है, किसी सांद्रता पर मोलर चालकता इतनी है तो उसकी वैल्यू रखती है और अनंत तन्वता पर मोलर चालकता इतनी है उसका भाग दें क्या निकल जाएगी उसकी वियोजन की मात्रा। ठीक है। पर तो कभी कभी क्या करता है अनंत तन्वता पर मोलर चालकता न देकर धनात्मक ऋणात्मक मोलर चालकता देता है। तो लैम्डा कोलराउस नियम में लैम्डा इन्फिनिटी बराबर अपनी क्या था लैम्डा इन्फिनिटी प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव माइनस धनायन और ऋणायन के अंदर तन्वता का योग के बराबर क्या होती है मोलर चालकता अल्फा बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा इन्फिनिटिव सी अपॉन लैम्डा इन्फिनिटिव धनायन प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव ऋणायन। ऐसा भी अपन करके दोनों का योग करके अपन इस फॉर्मूले रखकर वियोजन की मात्रा वियोजन स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम दुर्बल विद्युत अवघट्य वियोजन की मात्रा इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। अब है अपना वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना। तो वियोजन स्थिरांक कैसे ज्ञात करेंगे, तो है अपना वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना, वियोजन स्थिरांक यानी के माना को दुर्बल विद्युत अवघट्य है और वो है CH3COOH एसीटिक के लिए इसका आयनन हो रहा है CH3COO- प्लस H प्लस। ठीक। प्रारंभ में मोल माना प्रारंभ में वियोजन से पहले मैंने इस क्षेत्र CO का ले लिया एक मोल, कितना ले लिया एक मोल। तो वियोजन पहले से एसीटेट माइनस एक कितने रहेंगे जीरो मोल, एच प्लस कितने रहेंगे जीरो मोल।
प्रारंभ में वियोजन से पहले। माना अभिक्रिया शुरू हो गई और उसमें कुछ मोल वियोजित हो गए, यानी अल्फा अल्फा मोल वियोजित होने पर, अल्फा मोल इसमें क्या हो गए, वियोजित हो गए यानी इसमें टूट गए। इसका क्या बचा, पहले कितना था एक मोल, अल्फा वियोजित हो कितना बच गया, एक माइनस अल्फा, पहले एक था अल्फा मोल उत्पाद में बदल गया, तो क्रियाकार क्रियाकार कितना बच गया, पहले में से जितना हो वियोजित हो घटा दो, पहले कितना एक वियोजित कितना अल्फा, एक माइनस अल्फा, ये कितना बना अल्फा, जो वियोजित होगा ये कितना बनेगा अल्फा। ठीक है, माना सांद्रता सी सांद्रता पर, सी सांद्रता पर तो क्या हो जाएगा सी इंटू वन माइनस अल्फा, गुणा कर दो, ये क्या हो जाएगा सी अल्फा, ये क्या हो जाएगा सी अल्फा। ठीक है, अब यहां पर अपन लगाते हैं द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम से, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से। ठीक, द्रव्यपद क्रिया नियम से क्या हो जाएगा, यानी जो अनंत अनुपात में मोलर चालकता होगी अपनी, यानी वियोजन की मात्रा यानी के के बराबर, के बराबर क्या हो जाएगी उत्पाद की सांद्रता, यानी CH3COO- की सांद्रता गुणा में H+ की सांद्रता अपॉन CH3COOH की सांद्रता। क्लियर, चलिए साहब के बराबर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है सी अल्फा, सी अल्फा डॉट एच प्लस कितनी आ रही है सी अल्फा, सी अल्फा अपॉन एसीटेट की कितनी आ रही है ये भी सी इंटू वन माइनस अल्फा। ठीक है, इसकी वैल्यू कहां, ये भी इसकी वैल्यू कहां रही सी अल्फा, और एच कार्बोनेट की वैल्यू कहां रही सी अल्फा, मैं दोनों यहां पर रख दी, या के बराबर सी अल्फा, सी अल्फा क्या हो जाएगा सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन सी इंटू वन माइनस अल्फा। ठीक, एक सी से एक सी कट जाएगा, एक सी से एक सी कैंसिल होगा, तो क्या बच गया के बराबर सी अल्फा स्क्वायर, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा, ये आएगा अपना वियोजन स्थिरांक। ठीक है, सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा, यानी इस फॉर्मूले की सहायता से, इस फॉर्मूले की सहायता से हम वियोजन स्थिरांक के की गणना कर सकते हैं। ठीक, अल्फा की वैल्यू कहला है अल्फा पर वियोजन स्थिरांक जो पहले अपने मैंने आपको बताया था अल्फा बराबर लैम्डा इंफिनिटी सी अपॉन लैम्डा इंफिनिटी एम, इसकी सहायता से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे अल्फा की, और या अल्फा की वैल्यू यहां पर रख करके सी अपने सांद्रता अपने को देगा और के की वैल्यू के का मान निकाल सकते हैं। तो इस पर भी अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते थे इस पर, और एक इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपने को करने। ठीक है, तो ये तो था अपना कोलरस नियम का दूसरा एप्लीकेशन, दूसरा अनुप्रयोग दुर्बल विद्युत घटे के वियोजन की मात्रा यानी अल्फा ज्ञात करना, वह वियोजन स्थिरांक यानी के ज्ञात करना। ठीक है, तो इस प्रकार अपना कोलरस का जो नियम है उसके अनुप्रयोग है वो कंप्लीट होते हैं और अपना कोलरस का नियम क्या होता है समाप्त होते हैं। ठीक है, इस पर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपने को करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।